अफगानिस्तान के बाद अमेरिका की इज्जत अब नेपाल में भी दांव पर लग गई है। जी हां, अमेरिका और नेपाल में 4 साल पहले एक करार हुआ था और करार के तहत अमेरिका को 55 अरब रुपए जो हैं वो नेपाल को देने थे। जी हां, लेकिन 4 साल बाद भी इस योजना का कोई नामो निशान नहीं है। दरअसल अमेरिका द्वारा 50 देशों में चलाए जा रहे मिलेनियम प्रोग्राम के तहत ये जो पैसा है वो स्थानीय सरकार को देना था, जो कि वहाँ के विकास के लिए था, लेकिन 4 साल बाद भी इस योजना का कोई भी अता पता नेपाल में नहीं है। और इसकी वजह है नेपाल में हो रहे इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन है, क्योंकि इसको लेकर लगातार जो विपक्षी पार्टी है वो सरकार पर हमलावर है और उनका मानना है कि इस योजना से नेपाल में अमेरिकी सेना की जो धौंस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। MCC नाम के इस प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा विरोध इस वक्त विपक्षी पार्टियां कर रही हैं नेपाल में, लेकिन इस बीच में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नेपाल इस योजना पर आगे काम ही ना करे। दरअसल ये जो योजना है इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर ये योजना क्या है और आखिर अमेरिका 55 अरब रुपये नेपाल को क्यों देगा। MCC समझौते में उल्लेख इस बात का है कि नेपाल में बिजली का अधिक उत्पादन होने से उसके लिए एकमात्र बाजार भारत ही हो सकता है। नेपाल अपनी बिजली भारत को बेच सके इसके लिए MCC समझौते के तहत भारतीय सीमा तक ट्रांसमिशन लाइन बनाने की बात का जिक्र है। नेपाल जल्द ही 5000 मेगावाट तक की बिजली का उत्पादन करने वाला देश बन जाएगा, जिसके बाद वो करीब 3000 मेगावाट बिजली बेच सकता है और अगले एक दशक में नेपाल करीब 14000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला देश बन जाएगा, जिसके बाद वो भारत के अलावा बांग्लादेश को बिजली बेच सकता है। लेकिन इसके लिए अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की आवश्यकता होगी, जो कि MCC समझौते के तहत अमेरिका ने बनाने का वादा किया है। इन सभी ट्रांसमिशन लाइन का संबंध भारत से है और भारत की सहमति के बाद ही इस समझौते का कोई अर्थ है। इसलिए अमेरिका ने पहले ही कह दिया है कि अगर भारत इस संदर्भ में हामी भरता है तो ही इस पूरे समझौते पर काम होगा। नेपाली कम्युनिस्ट नेताओं को यहीं से बात खटकनी शुरू हो गई है। उनका तर्क यहीं से शुरू हो जाता है कि जब समझौता नेपाल और अमेरिका के बीच हुआ था तो इसमें फिर भारत की सहमति का क्या आवश्यकता है। दरअसल जो सरकार इस वक्त नेपाल में विपक्ष में बैठी हुई है वो चीन की सबसे पसंदीदा सरकार थी। जी हाँ, ओली की सरकार को चीन बहुत पसंद करता था और ओली की सरकार जो है वो भारत से बिल्कुल अच्छे संबंध बनाने के मूड में नहीं थी, और अब जब वो सरकार में नहीं रहे और वो जब विपक्ष में बैठे हैं तो वो इस बात को लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं कि आखिर इसमें भारत को क्यों इतना बड़ा रोल दिया गया है। आपको बता दें कि इस अग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहले अगर बिजली आप कहीं बेच सकते हैं तो वो भारत होगा, क्योंकि आपके पास अभी उतनी क्षमता नहीं है बिजली पैदा करने की कि आप दूसरे देशों को बेच सके। इसके लिए जो ट्रांसमिशन लाइन बनाया जाएगा उसमें अमेरिका अकेले नहीं बना पाएगा, उसके लिए उसमें भारत उसकी मदद करेगा, इसलिए भारत की सहमति बहुत जरूरी हो जाती है और शायद ये बात वहाँ के विपक्षी नेताओं को समझ में नहीं आ रही है। इसके अलावा नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि MCC समझौता अमेरिका की ओर से चीन को घेरने के लिए बनाई गई रणनीति है। उनका ये भी तर्क है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के BRI को चुनौती देने के लिए MCC लाया गया है। नेपाली दलों ने यह भी आशंका जताई है कि MCC समझौता इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत और MCC के माध्यम से अमेरिका नेपाल में अपने सैनिकों को एंट्री कराना चाहता है ताकि वो चीन के लिए सिरदर्द बन सके। और इसी बात से नेपाल की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो और इनके अलावा चीन जो है वो दोनों परेशान हैं। उनको लगता है कि अगर नेपाल में अमेरिका की मौजूदगी होती है तो ये चीन के लिए सीधे सीधे तौर पर एक चुनौती होगी। इसे लेकर सत्ताधारी गठबंधन के नेता प्रचंड से लेकर माधव नेपाल, बाबूराम भट्टराई से लेकर उपेंद्र यादव तक सभी चीन की भाषा बोल रहे हैं। ऐसे में नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा इस समय दुराहे पर हैं। एक तरफ अमेरिका के साथ किया गया समझौता है तो दूसरी तरफ सत्ता के चले जाने का डर। अगर अमेरिका के दबाव में आकर वे समझौते को संसद में पेश करते हैं तो गठबंधन टूटने और सत्ता के जाने का डर है। यदि वो अमेरिकी समझौता को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो देश को बड़ा नुकसान हो सकता है और भविष्य में विदेशी सहायता, विदेशी निवेश पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। हालांकि देउबा को नेपाल में अमेरिका का सबसे करीबी नेता माना जाता है, लेकिन इस बार कई लोगों को ये आशंका है कि चीन के में आगे देउबा अपनी सरकार को दांव पर नहीं लगाने वाले हैं। ऐसे में एक बात और साफ हो जाती है कि देउबा के पास सिर्फ 2 विकल्प बचे हैं, या तो वो सरकार को बचाएं या तो वो अमेरिकी परियोजना को मंजूरी दे दें। और इसके लिए अगर वो आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि उनको अपनी सरकार से हाथ धोना पड़े, लेकिन ऐसे में उन्हें यह तय करना होगा कि वो सरकार चाहते हैं या नेपाल के लोगों का भला चाहते हैं।